हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सारे लोग बढ़िया होंगे। मैं एकदम बढ़िया। चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो जो आज का ब्लॉग होने वाला है भाई, मैंने अपना जो एक माइक मंगाया था, क्योंकि ब्लॉगिंग के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है माइक होती है, क्योंकि जब तक अपनी वॉइस क्लियर नहीं जाएगी तब तक आपको वीडियो देखने का कोई मजा नहीं आएगा। तो भाई मैंने जो अपना कॉलर माइक है वो मंगा लिया है, घर पर आ चुका है, तो मैं उसका अनबॉक्सिंग करूंगा, रिव्यू करूंगा। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, और आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और यूजर आईडी आपकी स्क्रीन पर आ रही है, जाओ जाके फॉलो करो। और मैं आपको दिखाता हूँ, उसका अनबॉक्स करता हूँ। मैंने अभी तक भी खुद ने भी खोल के नहीं देखा है, अभी आपके सामने शेयर करूंगा और खोलूंगा। तो आप बने रहें ब्लॉग में, और प्लीज स्किप ना करें, पूरा देखें, बहुत नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है। गाइस ये अपना बॉक्स आ चुका है, बोया कंपनी का, जो मैंने माइक मंगाया था, तो अब इसको खोलते हैं। तो गाइज आप देख सकते हो, ये अपना माइक आ गया है बोया कंपनी का, ठीक है। और इसमें ऊपर इधर बोया की ब्रांडिंग हो रही है, इधर वो माइक जैसा रहता है वो दिखाया हुआ है, ठीक है। इधर बोया M1 लिखा हुआ है इसका मॉडल नंबर, और पीछे कुछ इसके फीचर्स वगैरह लिखे हुए हैं, DSLR में भी कनेक्ट हो जाएगा वगैरह वगैरह। और ठीक है, अब इसको खोल के दिखाता हूँ मैं आपको। तो गाइस आप देख सकते हो, ये अपना बोया का माइक है, और अंदर से कुछ इस तरह का भाई ये कवर दिया हुआ है कैरी करने के लिए इसमें, ठीक है। और इधर कुछ इसकी गाइड वगैरह निकली है, तो आप पढ़ना चाहो तो आप लोग पढ़ लेना, बाकी कोई ऐसा पढ़ना है कुछ है नहीं, मतलब इंफॉर्मेशन दी हुई कि आप इसको कैसे कनेक्ट करोगे, कैसे जोड़ना है, क्या करना है। और क्या निकला है इसमें, देख इसका ये वारंटी कार्ड वगैरह है, ठीक है गाइस। तो भाई अब इन सब चीज़ों को तो रखते हैं साइड में, और अब अपन मेन माइक पर आते हैं, निकालते हैं इसको। तो इसमें कुछ इस तरीके का पैकेट दिया हुआ है, जिसमें आपका इसको खोलते हैं पहले, मैं दिखाता हूँ इसमें क्या निकलता है। तो गाइस देखते हैं, इसमें ये जैक निकला है, ठीक है, और कॉलर के लिए क्लिप निकली है, और माइक के ऊपर विंड वगैरह कैंसिल करने के लिए ये निकला है, एक इसकी सेल निकला है बैटरी के लिए, ठीक है गाइस। और इसका जो वायर है बहुत लंबा है, करीबन 20 मीटर के आसपास का इसका वायर है। और गाइस इसमें 3 mm का एक जैक मिलता है, जो कि आपके फ़ोन में कनेक्ट हो जाएगा, जिससे कि आप अपनी अच्छी वॉइस रिकॉर्ड कर पाओगे। तो चलो अब इसको इंस्टॉल करते हैं। और इधर क्लिप है, क्लिप दी हुई है, जो आपके बेल्ट में अटैच हो जाएगी, और इसको आप अपने पॉकेट में रख के, और ये अपना माइक है जिसको आप अपने कॉलर में लगाओगे और अच्छा वॉइस रिकॉर्ड कर पाओगे। तो अब इसको इंस्टॉल करते हैं, पहले इसका फॉर्म लगा देते हैं। तो गाइस इसका ये फॉर्म लग चुका है। अब इसमें एक क्लिप लगा देते हैं अपन, ये देख सकते हो इसका ये क्लिप दिया हुआ है, इसको भी इंस्टॉल, ये यहाँ पर इंस्टॉल होगा, ये आपके फॉर्म के बिल्कुल नीचे ये इंस्टॉल हो जाएगा, ये देखो इस तरीके से कुछ आपका माइक इंस्टॉल हो जाएगा। और इसका जो सेल है उसको भी डाल देता है। और अगर आप फोन से वीडियो बनाते हो तो आपको इसका सेल का जरूरत नहीं पड़ेगा, और कैमरे से बनाते हो कि इसमें जो अडेप्टर दिया हो, इसमें 2 ऑप्शन दिए हुए, कैमरे से बनाओगे तो आपको ये स्विच ऊपर कर देना है, ठीक है गाइस। ऊपर जैसे आप कर दोगे तो कैमरे से वीडियो बनेगा, मतलब कैमरे से वीडियो बनेगा और ऑडियो इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा, और नीचे कर देते हो तो आपके स्मार्टफोन से बन जाएगा, ठीक है। और इसमें सेल डालने के लिए इसको यहाँ से ओपन करना पड़ेगा, इसको अपन ओपन करते हैं। और सेल में आप देख लेना प्लस माइनस, क्योंकि इधर दिया हुआ है इसमें, ठीक है, इसको भी इंस्टॉल कर देते हैं। तो ये अपना सेल भी इसमें इंस्टॉल हो गया, इसको बंद कर देते हैं। तो गाइस देख सकते हो, ये अपना माइक अभी बिल्कुल यूज करने के लिए हो गया, जो अब तक जो आपने वॉइस सुनी थी वो विदाउट माइक थी, और अब मैं इस माइक की आपको वॉइस भी टेस्ट करवाता हूँ, ठीक है। फाइनली गाइस अब अपन ने अपना बोया का माइक इंस्टॉल कर लिया है, और जो भी आप आवाज़ सुन रहे हो वो सुन रहे हो मेरे बोया के माइक से, तो आवाज़ का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो पहले वाला शूट था वो तब फ़ोन के इंटरनल माइक से, और अब जो शूट हो रहा है वो हो रहा है बोया के कॉलर माइक से। तो मैं तो एडिटिंग में बैठूंगा, तभी मेरे को पता चलेगा वॉइस का डिफरेंस क्या है, बाकी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो भाई बड़े बड़े यूट्यूबर भी इसका यूज़ कर रहे हैं, तो अपन ने भी मंगा लिया। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो आप।
और गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो यार, थोड़ा सा प्यार दिखाओ। आप लोगों का प्यार वैसे ही बहुत मिल रहा है, पर थोड़ा सा और दिखाइए, और पास आ रहे घंटे के बटन को दबाना ताकि जिससे जो भी वीडियो डालो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं आपको ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।